नमस्कार, चरक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप आयुर्वेद, मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मर्दाना ताकत बढ़ाने का अचूक नुस्खा एवं घरेलू उपाय। यदि आप भी मर्दाना कमजोरी से जूझ रहे हैं और मर्दाना कमजोरी दूर करने का कोई नया उपाय खोज रहे हैं तो इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। जी, कुछ लोग मर्दाना कमजोरी की वजह से अपने पारिवारिक जीवन को कुछ नहीं कर पाते हैं या शादी करने से झिझकते हैं, तो अब आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ अंदरूनी या बाहरी कारणों से मर्दानगी में कमी हो जाती है जो उन पुरुषों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। कई बार पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक कमजोरियां अस्वस्थ संबंधों का कारण बन जाती हैं। कुछ शरीर से जुड़ी कमजोरियां जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि ऐसी समस्याएं जो मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण होती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने के उपाय को लेकर आज बाजार में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको किसी दवा आदि की जरूरत नहीं होती। आप अपने शरीर को जिस तरह से बनाना चाहें वह उसी तरह से आपकी क्षमता का निर्माण करती है। सच पावर बढ़ाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। आपकी लिंग का कार्य केवल उसके रक्त के प्रभाव पर ही निर्भर करता है, इसलिए आपको रक्त के प्रभाव को हमेशा ही सही अवस्था में रखना चाहिए। रक्त का प्रभाव आपके हृदय से संचालित होता है, ऐसे में आपको मुख्य रूप से अपने हृदय के स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना होगा। हृदय स्वस्थ होने से ही आपकी शक्ति पावर में इजाफा होता है। आज हम आपको बता रहे हैं मर्दाना ताकत बढ़ाने की नेचुरल नुस्खे जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नंबर एक, कद्दू के बीज का सेवन। इसके बीज पुरुष में फर्टिलिटी बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व और विटामिन भी मौजूद होते हैं। कद्दू के बीज में विटामिन सी, वी, ई, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक भी पाए जाते हैं। इसमें पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाकर नपुंसकता को दूर करने की क्षमता होती है। इसके लिए रोजाना एक मुट्ठी कद्दू का बीज खाकर आप लाभ उठा सकते हैं। नंबर दो, अदरक का सेवन। अदरक में बहुत ही शक्तिशाली कामोद्दीपक गुण पाए जाते हैं। अदरक के टुकड़े खाने से गुप्त अंग में खून का दौरा बढ़ता है जिससे संभोग में बढ़ोतरी होती है। अदरक के रोजाना सेवन से स्टेमिना बढ़ता है। पुरुषों को रोजाना आहार में अदरक का सेवन करना चाहिए। नंबर तीन, लहसुन का सेवन। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए लहसुन भी एक बढ़िया प्राकृतिक उपाय है, क्योंकि लहसुन के नियमित सेवन से गुप्त अंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गुप्त अंग में आई कमजोरी दूर होती है। लहसुन कुछ कलियां स्वयं खाकर दूध पीने से जबरदस्त मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। नंबर चार, बादाम का सेवन। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए बादाम बेहतर घरेलू उपाय में से एक है, क्योंकि बादाम में फैटी एसिड पाया जाता है, साथ ही कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी इसमें होते हैं। रात को बादाम पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट चबाकर खाने के बाद दूध पीना चाहिए। नंबर पाँच, किशमिश का सेवन। किशमिश का सेवन के शरीर में खून की कमी दूर होती है। ये मर्दाना ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। 250 ग्राम किशमिश को किसी जार में डालें, उसमें 500 ग्राम शहद मिलाकर 2 दिन तक ढक्कन लगाकर रख दो। 2 दिन के बाद सुबह खाली पेट किशमिश की 4-4 दाने रोज निकालकर 1 महीने तक इसका सेवन नित्य करें। इसके सेवन की 40 मिनट तक आप कुछ भी नहीं खाएं, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ेगी। ध्यान दें, इसमें चावल, आलू, नशीले पदार्थ, तली हुई खाद्य सामग्री, वनस्पति घी, इन सब वस्तुओं का सेवन नहीं करें। नंबर 6, बबूल का गौन। बबूल का गौन और उड़द की दाल गाय के घी में मिलाकर इसमें स्वाद अनुसार चीनी और नारियल का बुरादा मिलाकर लड्डू बनाएं। इसका सेवन सर्दियों के मौसम में नित्य खाली पेट करने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। नंबर 7, चना। अगर वीर्य पतला है या कम बनता है तो चना आपकी मदद कर सकता है। एक चीनी मिट्टी के बर्तन में रात में चने भिगोकर रख दें और फिर उन चनों को सुबह उठकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। चने आपको अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही खानी है, मतलब कि जितने आप से हो सके
और उसके बाद आप जिस चीनी की बर्तन में आपने चने भिगोए थे उस पानी को भी ऊपर से पी लें। इस तरह आप अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 8, आंवला। आंवले के चूर्ण में मिश्री पीस कर मिलाएं। इसके बाद प्रतिदिन रात को सोने से पहले करीब 1 चम्मच इस मिश्री चूर्ण का सेवन करें। उसके बाद थोड़ा सब पानी पिए। नंबर 9, केला। केला पुरुष की शक्ति को बढ़ाने वाला फल है। प्रतिदिन केले खाएं और संभव हो तो केला खाने के बाद दूध भी पिए। नंबर 10, अजवाइन। अजवाइन की पत्तियां स्वप्न दोष की समस्या के लिए एक बेहतरीन दवा है। अजवाइन की पत्तियों का जूस निकालकर उसे शहद के साथ लें। अजवाइन का रस इस तरह से लेने से वो जल्दी लाभ होता है। नंबर 11, प्याज। प्याज के सफेद कंद का रस, यानी कि सफेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और घी का मिश्रण 21 दिनों तक लगातार लेने से नपुंसकता दूर होकर पुरुष शक्ति प्राप्त होती है। कच्चे प्याज का सेवन स्वप्न दोष की समस्या में बहुत अच्छा माना गया है। खाने में किसी भी रूप में प्याज का सेवन किया जाए तो इस समस्या में लाभ पहुंचता है। साथ ही अगर इसे कच्चा खाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। नंबर 12, मेथी। मेथी को इस समस्या की बहुत कारगर दवा माना गया है। 2 चम्मच मेथी के जूस में 1/2 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना रात को लेने से इस समस्या में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर 13, उड़द। अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी है तो उड़द आपके लिए रामबाण है। उड़द के लड्डू, उड़द की दाल, दूध में बनाई हुई उड़द की खीर का सेवन करने से वीर्य की बढ़ोतरी होती है और सम्मुख शक्ति बढ़ती है। नंबर 14, तालम खाना। तालम खाना ज्यादातर धान के खेतों में पाया जाता है। इसे लैटिन भाषा में एस्टर कैंथा लॉन्गीफोलिया कहते हैं। वीर के पतले होने पर शीघ्र पतन रोग में स्वप्न दोष होने पर शुक्राणुओं की कमी होने पर रोजाना सुबह और शाम लगभग 3-3 ग्राम तालम खाना के बीज दूध के साथ लेने से लाभ होता है। इससे वीर गाढ़ा हो जाता है। नंबर 15, तिल का तेल। तिल का तेल भी इस समस्या में रामबाण की तरह काम करता है। तिल के तेल को जितनी मात्रा में लें उतनी ही मात्रा में लौकी का जूस भी लें। रात को सोने से पहले इस तिल के मिश्रण से अपने सिर और अपनी पूरी बॉडी की मसाज करें। यह एक बहुत प्रभावी नुस्खा है जो बिना किसी खास खर्च के आपको इस समस्या से पूरी तरह से राहत देगा। नंबर 16, स्वस्थ सोच। स्वस्थ सोच से ही शरीर स्वस्थ रहता है, यह एक सच्चाई है। इन समस्याओं के लिए हमारे मन की भावनाएं भी काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं। मन में भोग विलास के वासनात्मक ख्याल रखना या मन में हमेशा काम वासना के विचार घूमते रहना स्वप्न दोष पर शीघ्र पतन जैसी समस्याओं का एक बड़ा कारण है। नंबर 17, सही आदत। हमारी आदतों भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि कई बार सिर्फ गलत आहार विहार, यानी गलत समय पर गलत चीजें गलत तरीके से गलत मात्रा में लेने और अप्राकृतिक तरीके से अपनी दिनचर्या रखने से समस्याएं पैदा होती हैं। इन सभी कारणों से न सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि वैवाहिक जीवन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी पुरुषों में शारीरिक कमजोरी की अहम वजह बन सकती है। नंबर 18, स्वास्थ्य आहार। बहुत अधिक गरिष्ट भोजन जैसे पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड भी इसका एक बड़ा कारण है। अधिक घी, दूध, मेवी मिठाइयाँ आदि का सेवन करना भी आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको मर्दाना ताकत बढ़ाने से जुड़े सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई उलझन है तो आप उसे कॉमेंट के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। चरक आयुर्वेदा के इस वीडियो को देखने, शेयर व लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।